नमस्कार, मैं समर्थ मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज के इस वीडियो में मिड रेंज के जो फिल्म मेकर्स हैं, इंडी फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए एक कंप्लीट सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन सा सेटअप, कौन सा कैमरा, कौन सा लाइट, कौन सा माइक वो यूज़ करें ताकि उनकी फिल्म बेहतरीन बने, सिनेमा हॉल में रिलीज करने लायक बने या फिर किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर भी उसे रिलीज़ किया जा सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बिगनर्स के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि जो लो बजट के फिल्म मेकर हैं या जिनके पास बहुत कम बजट है, बिगनर है, उन्होंने स्टार्ट किया है अपना करियर फिल्म मेकिंग में, उनके लिए कौन सा कैमरा, कौन सा लाइट, कौन से माइक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मिड रेंज और अपर मिड रेंज के लोगों को कौन सा कैमरा सेटअप लेना चाहिए। देखिए, ये मेरे ख्याल से 3 पार्ट में बनाऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। एक में मैं बताऊंगा, यानी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए, कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए मिड रेंज के फिल्म मेकिंग के लिए। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कौन सा माइक सेटअप आप लें, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कौन सा लाइट इक्विपमेंट आप लें ताकि मिड रेंज के फिल्म मेकर आप बन सकें खुद से। आज के डेट में मैंने बहुत सारे कैमरे पर रिसर्च किया, बहुत सारे कैमरे को ऑपरेट किया और DOPs से बात की, तो मुझे लगा कि 2 ऐसे कैमरे हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ मिड रेंज की फिल्म मेकिंग के लिए, और दोनों ही सोनी के हैं और दोनों ये हैं। क्या दोनों सेम हैं, एक ही कैमरा है? बिल्कुल, बॉडी सेम है, एक जैसा है, लगभग वेट भी बराबर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये है सोनी का FX3 जो पहले रिलीज हुआ था, और उसके बाद आया सोनी का बहुप्रतीक्षित FX30, जिसके बारे में एक वीडियो हम अलग से डेडिकेटेड करके बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर FX30 के बारे में जानना है तो। और FX3 जो कि फुल फ्रेम कैमरा है, और FX30 जो कि APS-C कैमरा है। देखिए, फुल फ्रेम 12 मेगापिक्सल का, APS-C 26 मेगापिक्सल का, मेगापिक्सल में ये ज़्यादा है, लेकिन इसका सेंसर साइज बड़ा होने की वजह से ये काफ़ी लो लाइट पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और इसका जो ISO रेंज है वो 80 से लेकर के 1,02,400 तक है, जबकि इसका जो ISO रेंज है, स्टार्टिंग ISO रेंज यानी एक्सटेंडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका है 100 से लेकर के 32,000 तक। इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि अंतर जानना जरूरी है, दोनों ही कैमरा बेहतर है अगर मिड रेंज का अगर फिल्म मेकिंग आप करना चाहते हैं और उसे OTT या सिनेमा हॉल में रिलीज़ करना चाहते हैं तो। ये फुल फ्रेम होने के साथ साथ इसमें फोकस मैपिंग बहुत अच्छा दिया गया है, यानी ये अल्टरनेट तरीका ढूंढ लेता है कि अगर फोकस आई से नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर से हो जाए, बहुत तरीके से। इसका भी फोकसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फोकस मैपिंग इसका नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट पर आते हैं, ये 4 लाख का कैमरा है, ये 2 लाख से कम का कैमरा है। हाँ, इसके साथ एक हैंडल आता है, ये 1,80,000 में मिलता है। अगर 20,000 का हैंडल ले लेते हैं तो तकरीबन 2 लाख रुपया इसका है, तो जस्ट डबल में आपको फुल फ्रेम मिल रहा है। क्या फुल फ्रेम की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग करता है, दोनों के अंदर बाकी सारी सेटिंग सेम है, फुल फ्रेम और APS-C के अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बल्कि इसका मेगापिक्सल ज़्यादा है। FX30 में आप वो सभी काम कर सकते हैं जो FX3 में कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है FX3 में कि आप काफ़ी लो लाइट, यानी अगर आप इस तरह की फिल्में कर रहे हैं, साइंस फिक्शन की फिल्में कर रहे हैं या अंडरवर्ल्ड की फिल्में कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी लो लाइट में आपको अच्छी शूटिंग निकालनी है, तो FX3 ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। लेकिन मिड रेंज में अगर FX30 भी लेते हैं तो इसमें हर तरह का काम आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, FX30 एक ऐसा कैमरा है, 3B है, FX30 ऐसा कैमरा है जिसके साथ अगर आप ये लेंस लगा लेते हैं ना, ये जी मास्टर का लेंस है 18-105, कम्प्लीटली कंटिन्यूसली 4 का आपको ओपनिंग देता है, यानी इसका जो अपर्चर है 4 का ओपनिंग कंटिन्यूस रहता है 18 से लेकर के 105 तक, तो इसका यूज़, और इसमें सर्वो मोटर दिया हुआ है जूम इन जूम आउट के लिए, यानी जो लोग वीडियो कैमरा यूज़ करते थे ना किसी इवेंट के लिए, मैरिज के लिए, या उसके लिए ये कैमरा, इसका जो सेटिंग है ज़बरदस्त है। आप वीडियो कैमरे की तरह यूज़ करिए, लेकिन आपको क्वालिटी मिलेगा सिनेमा का, फिल्म का, जैसे FX200 वगैरह यूज़ करते थे बहुत पहले, PD-170 यूज़ करते थे, तो उस तरह के कुछ मानसिकता वाले लोग रहते हैं जिनको चाहिए कि जूम इन जूम आउट, पावर जूम इन पावर जूम आउट करें, तो उनके लिए ये कैमरा वरदान हो सकता है। और साथ ही जो फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, सिनेमा बनाना चाहते हैं, वो भी FX30 पर बेहतरीन सिनेमा बना सकते हैं। हाँ, FX3 को नेटफ्लिक्स ने अप्रूव कर दिया है, 30 को अभी नहीं किया है, लेकिन क्वालिटी वाइज
दोनों बराबर है, जो जब आप पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे स्क्रीन पर, दोनों लगभग बराबर आपको मिलेगा। और एक चीज़ और, जब भी आप कोई फिल्म बना के ले जाते हैं ना, तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि अप्रूव है कि नहीं, आपका 4K का होना चाहिए, कैमरा 4K का होना चाहिए, 4K पर आपकी शूटिंग होनी चाहिए और पोस्ट प्रोडक्शन का काम 4K पर होना चाहिए। देखिए अब आपको सेंसर दिखाता हूँ, ये APS-C का सेंसर है, आपको क्लोज में भी देखने को मिलेगा, और ये है फुल फ्रेम का सेंसर। देखिए आपको सेंसर साइज़ में अंतर मिल रहा होगा FX3 और FX30 में, तो सिंपल सी बात है कि इतना ही का डिफरेंस है। तो सिर्फ दो लेंस के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ दो लेंस भी अगर आप ले लेते हैं तो आपकी पूरी फिल्म बन जाएगी। इसमें होता क्या है कि इसको देखिए यहाँ से हम ऑन करते हैं, आपको एक सिंपल सेटिंग भी बताएंगे यहाँ पर। अब इसको जब मैं यहाँ से टेली, देखिए यहाँ से हम टेली वाइड कर सकते हैं, ये सामने दिया हुआ है, और यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ लेंस के पास यहाँ पर भी एक जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है, जूम इन जूम आउट जब करेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट होता हुआ दिखेगा, और बहुत ही मोटराइज होने की वजह से आपको जर्क नहीं मिलेगा, स्मूथ जूम इन जूम आउट होगा। इससे आप बहुत ही जल्दी सीन चेंज कर सकते हैं। अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा शॉट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीन कवर कर सके, तो ऐसे में आपके पास अगर कोई जूम लेंस है, बेहतरीन जूम लेंस है जिसका कि एपर्चर वैल्यू चेंज ना होता हो, तो उस पर आप सिनेमा का काम कर सकते हैं। तो इस कैमरे के साथ लेंस कौन सा चाहिए, एक तो ये लेंस आप ले लीजिए, यानी 18-105 का लेंस ले लीजिए जो कि 4 कंटिन्यूस अपर्चर पर है, और दूसरा सिंपल सी बात है 50mm का 1.8 का एक लेंस ले सकते हैं जी मास्टर का। 1.8 का लेंस जो होता है 18,000 के आसपास में मिलेगा, और ये लेंस आपको लगभग 45,000 के मिलेगा। कैमरा 1,80,000, अगर हैंडल नहीं लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से 20,000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सिनेमा लाइन का कैमरा है, FX30 में वो सब काम कर सकते हैं जो FX3 में कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट है 2,00,000 एक्स्ट्रा है तो आप इसको ले सकते हैं, यानी दोनों ही काम कैमरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप मिड रेंज का कैमरा सेटअप बनाने जा रहे हैं। और इसका आउटपुट भी आपको दिखा रहे हैं कि FX30 या FX3 का जो आउटपुट होता है, वीडियो आउटपुट होता है, हमने इस पर एड शूट किया है, हमने इस पर फिल्म शूट की हुई है, शॉर्ट फिल्म शूट की हुई है, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो इस पर किस तरह का रिजल्ट आता है वो भी आप देख लीजिए सामने। और अब आप ये तय करिए कि आपको ये कैमरा लेना है या नहीं, कौन सा लेना है, FX3 लेना है या FX30 लेना है। और FX3 और 30 जो लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर फ़ैन भी दिया है, कई लोग हिट की बात करेंगे, हिट की शिकायत करेंगे, इसमें अलग से फ़ैन दिया हुआ है जो हिट को कम करता है, और इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें जिन लोगों ने फीडबैक दिया या मैंने 3-4 प्रोजेक्ट किए इन दोनों कैमरों से, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप में से कोई इस कैमरे को यूज़ कर रहा हो, किसी भी तरह की कमी लग रही होगी या किसी भी तरह का आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर USP है जो मैंने इन दोनों वीडियो जो इससे पहले मैंने FX30 पर बनाया है और अभी जो बना रहा हूँ उसमें नहीं बताया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और पाठकगण जो है और दर्शक वर्ग हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा कि इस कैमरे के साथ कौन सा माइक आप लें ताकि आपका काम बेहतर हो सके और फिल्म के लिए वो माइक यूज़फुल हो। नमस्कार।